हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। तुम दिखने में तो अच्छे और सभ्य बालक दिखते हो, फिर हमारे यज्ञ का घोड़ा तुमने क्यों पकड़ लिया? आपके बड़े भैया के कहने पर। अर्थात? उन्होंने अश्व के मस्तक पर लिखा है ना, इसे पकड़ो तो हमारी सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करो। सो हमने उनके साथ युद्ध करने के लिए यह घोड़ा पकड़ा है। आप जाइए और उनको हमारा संदेश दीजिए कि हमने उनकी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली है, इसलिए आ जाइए रणभूमि में। ओम आलो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वताः अदब्धासो अपरितास उदभिदाः देवानो यथा सदमिदब्रधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्रिजुयता देवानां रातिरभिनो निवर्तता देवानां सख्यमुपसेधिमा वयम् देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। सुने किसी को सबने, सुने नैनों से देखा आनंदोत्सव में भी मन पर खिंच गई दुख की रेखा, खिंच गई दुख की रेखा। वैदेही की कमी आज सबके मन को खलती है, यज्ञ हो रहा वेदी पर हृदयों में अग्नि जलती है, हृदयों में अग्नि जलती है। स्वाहा ओम भूः, स्वाहा ओम भुवः, स्वाहा ओम शुभः, स्वाहा भूर्भुवस्तुवः स्वाहा। महाराज, यज्ञ के अश्व को बुला लिया जाए। लक्ष्मण, जो आज्ञा। Come.
गर्भधम आत्मजासि गर्भधम। हे यज्ञ के महान अश्व, तुम चारों दिशाओं में रघुकुल का यश फैलाओ और दिग्विजय प्राप्त करो। शत्रुघ्न, तुम अपनी सेना के साथ इस यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए इसके पीछे पीछे चलोगे। यह पुण्यात्मा अश्व स्वेच्छा से जिधर भी जाना चाहे इसे जाने देना। मार्ग में इसके मस्तक पर लिखी चुनौती को पढ़कर यदि कोई इसे रोके या पकड़े तो तुम्हें उससे युद्ध करके इस अश्व को स्वतंत्र कराना होगा। देखो, रघुकुल में हारने की रीत नहीं है, इसलिए मेरे सामने विजयी होकर ही आना। तुम्हारे लौटने तक यह यज्ञ पूजा नित्य प्रति चलेगी और इस दिग्विजय अश्व के लौटने के पश्चात ही इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। सूर्य वंश की कीर्ति पताका अब तुम्हारे हाथ में है, यह झुकने न पाए। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। महाराज की जय हो। आज रात यहीं छावनी डाल दी है। प्रातः यदि शीघ्र प्रस्थान किया जाए तो सायंकाल तक अयोध्या पहुंच सकते हैं। अयोध्या, आपने अयोध्या का नाम लेकर जैसे कानों में अमृत रस घोल दिया है। कितनी मोहनी है इस नाम में। जी चाहता है पंख लगाकर अभी वहां पहुंच जाऊं। वाल्मीकि आश्रम यहां निकट ही है, अब तो अयोध्या पहुंच ही गए ये समझिए। आप थोड़ा विश्राम करें और मैं देखता हूं कि यज्ञ का घोड़ा कहां विचर रहा है और सैनिक उसके साथ पहरे पर हैं या नहीं। भैया देखो कितना सुंदर घोड़ा है। यह तो विचित्र घोड़ा है, देखे तो इधर कैसे आ गया। चलो जाया हुआ है, इस पर ये छत्र क्यों धरा है? ये तो किसी राजा का लगता है। परंतु राजा क्या इतनी छोटी काठी पर बैठ सकता है? ये राजा के किसी बालक का होगा। परंतु राजा का बालक हमारे आश्रम में क्या करने आया है?
देखो देखो लव भैया, इसके मस्तक पर स्वर्ण तालिका है, उस पर कुछ लिखा है। देखो तो क्या लिखा है। राज राजेश्वर छत्रपति महाराज श्री रामचंद्र के अश्वमेघ यज्ञ का ये अश्व दिग्दिगांतर में स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा गया है। इसके आगे जो नतमस्तक होगा उससे महाराज रामचंद्र की शरण प्राप्ति होगी, और जो उसे पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसे महाराज रामचंद्र की सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। ओह, युद्ध की चुनौती है, तब तो हमें इसे स्वीकार करनी ही पड़ेगी। हम इसे पकड़ते हैं। क्या करते हो लव? महाराज राम के युद्ध की चुनौती स्वीकार कर रहा हूँ। परंतु भैया, इसे हमें क्या लाभ? लाभ और हानि की बात सोचकर क्षत्रिय कभी युद्ध में नहीं जाता। गुरुदेव कहते हैं जो सच्चा क्षत्रिय है उसे तो हर युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी ही पड़ती है, यही क्षत्र धर्म है। सो भैया, हम तो क्षत्रिय पुत्र है और ये घोड़ा भी अपने मस्तक पर युद्ध की ललकार लेकर फिर रहा है, हम इसे स्वीकार करते हैं। और वैसे भी यह तो बहुत ही अच्छा अवसर आ गया है हाथ में। कुश भैया को महाराज राम से कुछ प्रश्न पूछने थे। जब महाराज राम युद्ध के लिए आएंगे तो कुश भैया उन्हें प्रश्न भी पूछ लेंगे। महाराज रामचंद्र स्वयं तो नहीं आएंगे, उनकी सेना आएगी और हमारी चटनी बना देगी। लव भैया, इसे छोड़ दो, हमें अपने प्राण नहीं गंवाने। अरे लव के होते हुए कौन तुम्हारी चटनी बना सकता है? डरो मत, आने दो जिसे भी आना है। चलो हम इस घोड़े को आश्रम में ले जाकर बांध देते हैं। चलो। ये घोड़ा कहाँ चला गया? पता नहीं, अभी तो यही था। अरे भैया ढूंढो उसे, वो तो यज्ञ का घोड़ा है। वो देखो, कुछ बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं। अरे खेल नहीं रहे, वो ले जा रहे हैं उसे। रोको उन्हें, जल्दी करो। अरे रोको, रोको, रोको। देखो देखो आ गई सेना, घोड़े को छोड़ दो। चुप, डरपोक कहीं का। लव तो अपने साथ साथ हमारे भी प्राण गवाएगा। चलो भागो, नहीं तो सैनिक पकड़ लेंगे। चलो चलो जल्दी करो, चलो भागो। चलो हाँ, पकड़ो इन्हें, जल्दी करो। ए बालक, छोड़ दो ये घोड़ा, कहाँ ले जा रहे हो इसे? अपने घर, मैंने इसे पकड़ा है। ये खेलने का खिलौना नहीं है बालक, ये महाराज की यज्ञ का अश्व है। इसे पकड़ने का अर्थ तुम नहीं जानते। हाँ जानता हूँ, तभी तो पकड़ा है। जाकर अपने महाराज राम से कहो कि मैंने उनकी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली है। यदि इच्छा हो तो आ जाए युद्ध करने के लिए। हमने तो बालक समझकर तुम्हें दंड नहीं दिया, परंतु तुम दुष्ट बालक हो। लाओ घोड़ा हमें दो, इधर लाओ। आ, आ, आ। लव भैया को बहुत समझाया कि इस घोड़े को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं माने, और जिसका हमें डर था वही हुआ। सैनिक ने आकर उसे घेर लिया। फिर क्या हुआ? फिर हमें नहीं मालूम, हम तो डर के मारे भाग आए। बड़े भीरू हो तुम लोग, चलो मुझे दिखाओ कहाँ है लव। ना ना, हम नहीं आएंगे, सैनिक हमारी चटनी बना देंगे। हमारा कर्तव्य था कि हम आपको बता दें कि आपके छोटे भैया आपत्ति में हैं। सो हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। अच्छा बाबा, मुझे ये तो बताओ कि लव है कहाँ? आश्रम के पीछे वाले घने वन के उस ओर जो बड़ा मैदान है ना,
वहाँ पर है, सैनिकों में घिरा हुआ। यदि अब तक वहाँ होगा तो ना? लव तो अब तक वही होगा, वह सैनिक वहाँ नहीं होंगे। तुम लोग लव को नहीं जानते। अच्छा मैं जा रहा हूँ। देखो गुरुदेव आश्रम में तो है नहीं, आश्रम वाले वृथाई चिंता करेंगे, इसलिए आश्रम में किसी को भी बताना नहीं। यदि तुम मारे जाओ या पकड़े जाओ तब भी नहीं बताना। भैया अपने इस छोटे से मस्तिष्क को इतने दूर तक सोचने के कष्ट मत दो। गुरुदेव का आशीर्वाद एक कवच की भांति हमारी रक्षा करता है, इसलिए ऐसी स्थिति तो कभी नहीं आएगी। अच्छा मैं जा रहा हूँ। छोड़ दे इस घोड़े को। मैं फिर कहता हूं बालक, अपनी माता को निपुति मत बना। छोड़ दे हमारे अश्व को। मैं वृथा तुम्हारी हत्या नहीं करना चाहता। और मैं भी तुमसे कह रहा हूं, मैं वृथा तुमसे लड़ना नहीं चाहता। भेज दो अपने महाराज रामचंद्र को, उन्हीं से मुझे युद्ध करना है। और मेरे बड़े भैया को, उनसे बहुत से प्रश्न भी पूछने हैं। मूर्ख बालक, बंद कर ये अनर्गल बातें। मैं अंतिम बार पूछता हूँ, तू घोड़ा देगा या अपने प्राण? दोनों में से कुछ नहीं दूंगा। तो फिर मैं दोनों ही लूंगा। अब मुझे बाल हत्या का कोई दोष न दे, यह बालक निश्चय ही वध करने योग्य है। तुम्हारे माता पिता मुझे क्षमा करें। अरे दोष से पहले ही क्षमा मांग रहे हो? सेनापति जी पहले बाल हत्या कर तो लो। तुमने मुझे विवश कर दिया है दृष्ट बालक। कैसे भगा दिया तूने सब लोगों को, परंतु उस बेचारे सेनापति को चांद से मारने की आवश्यकता नहीं थी। मूर्ख था बेचारा, और मूर्खता के लिए प्राण दंड देना उचित नहीं। भैया मैंने उसे मार कहाँ दिया है, मैंने तो उसे मूर्छित कर दिया है। पड़ा रहेगा 4-5 दिन मूर्छा में। देखा भैया, मैंने महाराज राम को बुलाने का सारा प्रबंध कर दिया है। अब पूछ लो उनसे सारे प्रश्न। अवश्य पूछूंगा, परंतु लव ये घोड़ा पकड़ना हमारे लिए उचित था कि नहीं, गुरुदेव क्या कहेंगे? भैया पढ़ लो उस घोड़े के मस्तक पर क्या लिखा है, फिर ये प्रश्न पूछना मुझसे।
क्या कह रहे हो? सेनापति कालजीत घायल हो गए? जी महाराज। तुमने बिल्कुल उचित किया लव। ये चुनौती तो किसी भी आत्मसम्मान वाले क्षत्रिय को स्वीकार कर लेनी चाहिए। और ये पढ़कर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि महाराज राम को बहुत अहंकार भी हो गया है? लो भैया, सूर्य पताका वाला रथ आ रहा है। अपने प्रश्नों की तालिका बना लो। जरा आने तो दो महाराज को। मैंने सुना था कि एक ही बालक है, तुम तो दो हो। चिंता न करें, आपसे एक ही लड़ेगा। आप ये बताने की कृपा करें कि क्या आप अयोध्या नरेश महाराज राम हैं? नहीं। नहीं? तो फिर ये अपने रथ पर सूर्य पताका लगाए क्यों घूम रहे हैं? लोगों को भ्रमित करने के लिए? नहीं, ये सूर्य पताका मेरे रथ पर इसलिए है कि मैं महाराज श्री राम का छोटा भाई शत्रुघ्न हूँ। कुश भैया, ये छोटे भाई हैं, इन्हें मेरे हवाले कर दो। तुम दिखने में तो अच्छे और सुसभ्य बालक दिखते हो, फिर हमारे यज्ञ का घोड़ा तुमने क्यों पकड़ लिया? आपके बड़े भैया के कहने पर। अर्थात? उन्होंने अश्व के मस्तक पर लिखा है ना, इसे पकड़ो तो हमारी सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करो। सो हमने उनके साथ युद्ध करने के लिए यह घोड़ा पकड़ा है, उनके छोटे भाई से नहीं। आप जाइए और उनको हमारा संदेश दीजिए कि हमने उनकी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली है, इसलिए आ जाइए रणभूमि में। देखो, ये बालपने की बातें अच्छी नहीं होती। ये घोड़ा यज्ञ का है, इसे छोड़ दो। तुम्हारी अवस्था को देखकर मुझे दया आती है, मैं तुम्हारे दूसरे अपराध क्षमा कर दूंगा। महाराज के छोटे भैया जी, कृपा करके आप इतनी उदारता ना दिखाएं, क्योंकि हम इस घोड़े को तो छोड़ने वाले नहीं। इसे यहाँ से केवल महाराज राम ही ले जा सकेंगे, वह भी हमें हरा कर या फिर यह चुनौती वापस लेकर। उनसे कह देना कि सारे संसार में वे एक क्षत्रिय नहीं है, और भी क्षत्रिय है जो अपने आत्मसम्मान पर अपने प्राण भी निचावर कर सकते हैं। स्वयं आकर देख ले। ये क्या नरगल बातें हैं? महाराज राम तुम्हारे लिए यहाँ कैसे आ सकते हैं? तो फिर ये घोड़ा भी यहाँ से नहीं जाएगा। बालको, तुम नहीं जानते तुम ये क्या कर रहे हो। घोड़ा ना देने का परिणाम बड़ा भयंकर हो सकता है। मुझे शक्ति का प्रयोग करने पर विवश ना करो। हम विवश कहाँ कर रहे हैं? आपकी शक्ति आपके वश में नहीं लगती, बार बार उभर आती है, इसलिए शक्ति का प्रयोग कर ही लीजिए, नहीं तो धनुष उठाए उठाए हाथ थक जाएंगे। बस उपहास बहुत हो गया, घोड़ा छोड़ दो अथवा मैं बाण चला दूंगा। चलाकर दिखाइए तो सही, चलाना भी आता है कि नहीं, देखते हैं आपके गुरुदेव ने आपको कैसे सिखाया है, फिर हम भी दिखाएंगे कि हमारे गुरुदेव ने हमें क्या सिखाया है। अंतिम बार पूछता हूँ, घोड़ा छोड़ते हो? नहीं। तो मैं विवश हूँ, मेरा कर्तव्य है घोड़े को छुड़ाना।
क्या दो बालकों ने? जी महाराज, दूत का कहना है दो तेजस्वी बालक जो ऋषि कुमार लगते हैं उन्होंने घोड़ा पकड़ लिया है और कहा है हमें महाराज राम की चुनौती स्वीकार है, उन्हें कहो हमसे युद्ध करने आए। सेनापति के मूर्छित होने के बाद शत्रुघ्न स्वयं युद्ध करने गए तो बुरी तरह घायल हो गए। बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसे दो बालक कौन हो सकते हैं जो शत्रुघ्न जैसे धनुर्धारी को हरा दें? हम स्वयं जाएंगे, हमारे जाने की व्यवस्था की जाए। क्षमा करें भैया, हम लोगों के रहते आपको स्वयं जाने की क्या आवश्यकता है? अपने लक्ष्मण पर विश्वास रखिए। ठीक है भरत जी। महाराज, लक्ष्मण के साथ जाने वाली सेना में अच्छे अच्छे योद्धा भेजे जाएं। महाराज, दो बालकों से युद्ध करने के लिए लक्ष्मण सेना लेकर जाएगा? आप अपने दास का अपमान ना करें। नहीं लक्ष्मण, हमारा यह विचार कदापि नहीं था। हम सोच रहे थे कि वो दोनों बालक साधारण नहीं हो सकते, अवश्य ही कोई मायावी छद्म वेश में ये कौतुक कर रहा है। यह बात है तो स्वयं काल भी उन दोनों बालकों का रूप धारण करके आ गया तो मेरे हाथों नहीं बचेगा। मुझे प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जिन दो मुनि कुमारों ने पकड़ा है उन्हें हमारे सामने उपस्थित करो। कहां है वो? श्रीमान, आपको क्या हम मुनि कुमारों जैसे नहीं दिखते? तुम तो बहुत छोटे हो, ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकते हो? ये आपको किसने कहा कि जो छोटे होते हैं वह दुस्साहस नहीं कर सकते? बिच्छू बहुत छोटा होता है परंतु अपने विष से ऊंट को भी मार सकता है। छोटा संकुश बड़े मत वाले हाथी को भी सीधा कर देता है और छोटा सा मंत्र भगवान को वश में कर लेता है। बहुत अनर्गल बातें करते हो, हम जो पूछते हैं उसका उत्तर दो। पहले आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या आप अयोध्या के महाराज राम हैं? नहीं, मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। भैया, फिर धोखा हो गया। क्या आपके महाराज राम हमारे सामने आने से डरते हैं? क्या बकवास करते हो? क्रोध ना करें श्रीमान, क्रोध से ज्ञान नाश होता है और ज्ञान का नाश होने से बुद्धि भटक जाती है और बुद्धि के भटकने से मनुष्य का पतन हो जाता है। मैं यहाँ ऋषि मुनियों का प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। मुनियों के पास आएंगे तो उपदेश ही मिलेगा, उससे आपका हित भी होगा। मेरे हित की चिंता मत करो, मैं कहता हूं दोनों अपराधियों को मेरे सामने उपस्थित करो। जिन्होंने हमारे महाराज के यज्ञ का घोड़ा पकड़ने का दुस्साहस किया है मैं उन्हें दंड देने आया हूं। दोनों अपराधी आपकी सेवा में उपस्थित हैं, आप दंड निर्धारित कीजिए। Oh.
तुम दोनों? नहीं नहीं, तुम हो ही नहीं सकते। ऐसे कोमल छोटे छोटे हाथ और ये छोटे छोटे धनुष, तुम वो हो ही नहीं सकते। और यदि तुम वो हो भी तो ऐसे सुकोमल बालकों को दंड देने की इच्छा नहीं होती। ला, हमारा घोड़ा हमें लौटा दो और जाओ, जाकर बालकों के साथ खेलो। ये तो अच्छी बात है कि आप हमें दंड नहीं देना चाहते, परंतु हम आपको घोड़ा नहीं देना चाहते। घोड़ा चाहिए तो महाराज राम से कहिए कि हमने घोड़े के मस्तक पर लिखी उनकी चुनौती स्वीकार कर ली है, हमसे स्वयं आकर युद्ध करे, बार बार छोटे भाइयों को भेजकर हमारा समय नष्ट न करे। लगता है तुम तो दया के पात्र नहीं हो। मैं तो तुम्हारी अवस्था पर दया करके तुम्हारे अपराध क्षमा कर रहा था। आप अपराध क्षमा कर रहे थे? ये तो न्याय के विरुद्ध है। अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। आपकी अयोध्या में तो निर्दोषों को भी दंड देने की रीति है। अयोध्या में किसी निर्दोष को दंड नहीं दिया जाता। अच्छा, तो महारानी सीता का क्या दोष था जिन्हें इतना महान दंड दिया गया? तब आपके हृदय में क्या कोई दया नहीं थी? फिर आज कहां से आ गई ये दया? कौन हो तुम लोग? अपराधी जिन्होंने अयोध्या पति के यज्ञ का घोड़ा पकड़ने का दुस्साहस किया है। यदि हमें दंड देने की इतनी इच्छा है तो अपने मन की आकांक्षा पूरी कर लीजिए, अन्यथा आराम से वापस चले जाइए। हमें आपसे कोई काम नहीं है। हमें तो केवल महाराज राम से बात करनी है। आप हमारा समय नष्ट न करें। मूर्ख बालक, तुम नहीं जानते कि तुम किसका अपमान कर रहे हो। मैं तुम दोनों को एक क्षण में भस्म कर सकता हूँ। देर मत लगाइए, नहीं तो यह क्रोध ठंडा हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा आपसे। मेरे क्रोध से डरो बालकों, मैं वो लक्ष्मण हूँ जिसने मेघनाथ को मारा था। पहले आप में सिर्फ क्रोध ही था, अब अहंकार भी आ गया है। ये दोनों अवगुण आपकी पराजय के चिन्ह है। तुम बड़े चपल और वाचाल हो, पहले मैं तुम्हारी जीवा तो काट लूं। छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम, अतुलित बलशाली लक्ष्मण बलवीर है। लव कुश के तरकश में अक्षुण तीर है। लक्ष्मण लव कुश रघुकुल की संतान है, पर अपने संबंधों से अनजान है। तीर न देखे रिश्ते नाते, करते अपना काम। छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम। Thank you.
महाराज, लक्ष्मण भी घायल हो गए? जी महाराज, बहुत घमासान युद्ध हुआ। दोनों ओर से दिव्य अस्त्र चलाए गए, परंतु एक शक्ति लगने से कुमार लक्ष्मण बुरी तरह घायल हो गए। प्रभु, यह साधारण बालकों का काम नहीं हो सकता। या तो कोई मायावी है या कोई दिव्य बालक। कोई भी हो, परंतु लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे योद्धाओं को जो पराजित कर सकें, वो परम शक्तिशाली अवश्य हैं। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसी समय प्रस्थान करता हूं। प्रभु, मुझे भी कुमार भरत के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। वानरराज, आप इस समय हमारे अतिथि हैं, हम आप पर यह भार नहीं डाल सकते। मैं अतिथि नहीं हूं, मैं प्रभु का मित्र हूं। संकट के समय मित्र का धर्म है मित्र की सहायता करना। सो मुझे कृपा करके जाने की आज्ञा प्रदान करें। प्रभु, सेवा का यह अवसर मुझे भी दिया जाए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस कांड में अवश्य कोई गूढ़ रहस्य है। अच्छी बात है, आप तीनों जाइए। सूर्योदय का समय हो गया है, मुझे माताजी के लिए कमल पुष्प लाने जाना है। तो जाओ भैया, चिंता न करो, मैं इधर रहूंगा। यदि महाराज राम आ गए तो मैं तुम्हारे लिए उनको रोक रखूंगा। जब तक तुम नहीं आते मैं उनसे युद्ध करता रहूंगा। अच्छा, मगर हारना नहीं। भैया, गुरुदेव ने कहा था ना कि अब हम संसार में किसी से हार नहीं सकते। जब गुरुदेव का आशीर्वाद साथ में है तो मैं कैसे हारूंगा। अच्छी बात है, कदापि, मैं तो किसी के आने से पहले ही आ जाऊंगा। भैया, माताजी को यह सब कुछ मत बताना, चिंता करेंगी और पूजा में मन नहीं लगेगा। यदि पूजा में मन नहीं लगेगा तो हमारे पिताजी के दर्शन होने में और विलंब हो जाएगा। ठीक कहा तुमने। अच्छा, मैं चलता हूँ। गुरुदेव, आप किस बात पे मुस्कुरा रहे हैं? पुत्री, मायापति की लीला देख रहा था, कैसे एक एक महायोद्धा का गर्व चूर कर रहे हैं। सुंदर बालक, तुमने यज्ञ का घोड़ा पकड़ा है? जी हाँ। परंतु हमने तो सुना था कि आप दो बालक हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना था, हम दो भाई हैं।
पुलकित प्रसन्न चित लखिय रूप अनूप जैसे सम्मुख हो स्वयं रघुवर बाल स्वरूप। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं, यदि मेरी भक्ति एक शिशु की भांति निर्मल है, तो मुझे इन दोनों के माता पिता के दर्शन हो। ऐसी मनोहर जोड़ी है, आप लोग किसके पुत्र हैं? जो रणभूमि में खड़े होते हैं उनका परिचय केवल उनका धनुष होता है, उनके बाण बताते हैं उनका पता। हाँ, आप ये बताने की कृपा करें कि क्या आप महाराज राम हैं? नहीं, मैं उनका दास हूं भरत। ये है महाराज सुग्रीव और ये है वीर हनुमान। श्रीमान भरत, गुरुदेव के कथानुसार आपकी भक्ति सचमुच वंदनीय है, हम उसके लिए आपको प्रणाम करते हैं। महाराज सुग्रीव, आपने राज्य पाकर भी एक वनवासी से जो मित्रता निभाई है वह सराहनीय है। और हे परमवीर हनुमान, आपने भक्ति की चरम सीमा को सार्थक कर दिया है, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहते हैं। परंतु इस समय आप समर भूमि में प्रतिद्वंदी के रूप में हमसे युद्ध करने आए हैं, इसलिए हम आप तीनों से युद्ध करने पर विवश हैं, हमें क्षमा करना। हम तो अब भी यही कहेंगे कि आप लोग लौट जाएं और महाराज राम को भेजें, हमने तो उनकी चुनौती स्वीकार की है, हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते। हम भी आपसे युद्ध करना नहीं चाहते। बहुत अच्छी बात है, आप जाइए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। परंतु हम श्री राम प्रभु के दास हैं, उन्हीं की आज्ञा से यज्ञ का घोड़ा लेने आए हैं, अतः घोड़ा लिए बिना तो जा नहीं सकते। हम तो कहते हैं घोड़े के संग आपको भी साथ ले चले। बंदी बनाकर? नहीं, यदि मेरे स्वामी का काम हो जाए तो मैं आपको भी अपना स्वामी बनाकर ले जा सकता हूँ। हनुमान जी, आप वीर तो है ही, अब पता चला चतुर भी बहुत है। ऐसी मधुर मधुर बातों के मोह जाल में फंसाकर आप हमें अपने राजा के पास ले जाकर अपनी सफलता का प्रमाण भी देना चाहते हैं और हमें बंदी बनाकर दंड भी दिलाना चाहते हैं। हम इन बातों के जाल में आने वाले नहीं। भैया, सीधा सीधा कहो ना कि हमने महाराज राम की चुनौती पढ़ के घोड़ा पकड़ा है, उन्हें कहो कि स्वयं आए हमसे युद्ध करके या तो घोड़ा ले जाए या हार मानकर चुनौती वापस ले ले। परंतु आपने परिचय तो दिया ही नहीं, वहां जाकर क्या कहेंगे,
कि उन्हें किसने बुलाया है, माता पिता का नाम क्या है, रहते कहाँ हैं। हनुमान जी, यहाँ कोई हमारी शादी विवाह की बात तो चल नहीं रही। जो हम अपने कुल और गोत्र का भकान करें, यहाँ युद्ध की बात है। यहाँ प्रश्न भी बाण ही करेंगे और उत्तर भी बाण ही देंगे। आपको हमारी बात स्वीकार है तो जाइए, और यदि लड़ना है फिर वार कीजिए। आप अपनी बालहट से क्यों हमें विवश करते हैं धनुष उठाने पर? आपकी सुकुमार अवस्था देखकर हमारा मन नहीं करता बाण चलाने को। जहां अस्त्र न उठ सके वहां पराजय स्वीकार कर लेना ही उत्तम है। पराजय? पराजय का शब्द रघुकुल की गाथा में नहीं आता मूड बालक। और शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी, रघुकुल के ही है ना जो पराजित होकर कई शिविर में मूर्छित पड़े होंगे। उसी रघुकुल का अहंकार है आपको। तुम दिखने में तो मनोहर दिखाई देते हो परंतु अंदर से उतने ही विषैले। ऐसे फल को तो तुरंत काट देना चाहिए। Thank you.
भोजन ले आया। मैंने सोचा न जाने महाराज राम को आने में कितनी देर लग जाए, तब तक हम भोजन तो खा ले। अरे हम अकेले कैसे खाएंगे, श्री हनुमान जी भी तो भूखे होंगे। परंतु वे ये सूखी रोटी खाएंगे, पूछना तो चाहिए। चलो हे महावीर हनुमान, आप तो महाराज सुग्रीव के महामंत्री हैं। किष्किंधा के राजमहलों में सुंदर और स्वादिष्ट भोजन खाने की आदत होगी, परंतु हम तो ठहरे वनवासी और ब्रह्मचारी, हमारे पास तो ये सूखी रोटी है, उसे से आपकी सेवा कर सकते हैं। सेवक के लिए तो स्वामी की दी हुई रूखी सूखी रोटी भी अमृत समान है। परंतु आप सेवक और हम स्वामी कैसे हो गए? देखो, जो युद्ध में हार जाए उसे तो दूसरे का सेवक ही बनना पड़ता है। नहीं भैया, हमें तो किसी भी सेवक की आवश्यकता नहीं। हमारे गुरुदेव ने रामायण में लिखा है कि आप श्री राम के अनन्य सेवक हैं, तो आप उनके ही सेवक रहिए। ओहो, तो आपके गुरुदेव ने रामायण लिखी है? हाँ, उसमें श्री राम का जीवन चरित्र लिखा है, आपकी कथा भी उसमें आती है। अच्छा? हाँ, आपकी अनन्य भक्ति और सेवा के कारण हमें आपका चरित्र बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। लगता है जैसे आप भी रामायण के ही कोई पात्र हो, जैसे श्री राम के ही कोई अपने हो। हनुमान जी, ये मंत्रियों वाली राजनीति ये भूमि में ना चलाइए, लीजिए भोजन कीजिए। परंतु भैया, ये खाएंगे कैसे? इन्हें तो हमें खिलाना पड़ेगा, मैं अपने हाथ से इन्हें खिलाता हूँ। नहीं नहीं, आपके हाथ से अपनी सेवा कराऊं ये नहीं हो सकता, आप अपना भोजन करिए। एक प्राणी हमारे सामने भूखा हो और हम भोजन कर ले, ये छात्र धर्म तो क्या मानव धर्म के भी विरुद्ध है, पाप है। लव, इनके हाथ खोल दो। भैया, लेकिन इनके हाथ खोल देंगे तो? नहीं नहीं, ये वीर पुरुष हैं, हाथ खोलने पर भी ये उसका अनुचित लाभ नहीं उठाएंगे। देखिए हनुमान जी, हम केवल आपके भोजन के लिए हाथ खोल रहे हैं, हमें वचन दीजिए कि आपके हाथ खोलने पर भी आप चुपचाप हमारे बंदी बनकर यहाँ बैठे रहेंगे। हे क्षत्रिय कुमारों, आपने तो अपने गुणों से मुझे सदा के लिए बंदी बना लिया है। मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं। लव, इनके हाथ खोल दो। अच्छा भैया, लगता है अब तो महाराज सचमुच स्वयं आ गए हैं। आने दो। Thank you.
हमारी सेना की ये दशा? वीरभद्र, विश्वास नहीं होता कि केवल दो छोटे मुनि कुमारों ने अयोध्या की चतुरंगिनी सेना का यह हाल कर दिया है। परंतु ये सत्य है महाराज। बड़े अचरज की बात है, ये कोई साधारण मानव नहीं कर सकता। महाराज, मुझे तो वो साधारण भी नहीं लगते और मानव भी नहीं लगते। मुझे तो वो दो छोटे छोटे देवता लगते हैं जिन्हें देखकर प्रणाम करने को मन होता है। अवश्य कुछ ऐसा ही हो सकता है, अन्यथा लक्ष्मण, भरत, हनुमान और सुग्रीव जैसे भी इस प्रकार धराशायी ना हो जाते। ये सारी बातें सुनकर हम भी उनके दर्शनों को लालायित हो रहे हैं। वो देखिए महाराज, उनके दर्शन हो गए। वो दोनों वीर पेड़ों के उस ओर खड़े हैं। भैया तैयार रहो, कहीं महाराज राम अचानक पीछे से आक्रमण न कर दे। इतनी देर तक सामने क्यों नहीं आए? नहीं लव, मेरे विचार में वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो वीर है और वीर पुरुष कभी छुपके वार नहीं करते। धन्य हो, एक सच्चा वीर ही दूसरे वीर का आदर कर सकता है। हनुमान, रथ आगे ले चलो। हनुमान, ये क्या, तुम जैसा परमवीर इस प्रकार दुबक कर बैठा है? प्रभु, इस समय मैं अपनी वीरता नहीं दिखा सकता। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, मैं इनका बंदी हूं। ये तो इन्होंने दया करके मेरे हाथ पांव खोल दिए। मैंने इन्हें वचन दिया है कि मैं अपने खुले हाथों का प्रयोग केवल भोजन के लिए ही करूंगा। आप मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। तुम दोनों को देखकर यह विश्वास नहीं होता कि ऐसे कोमल कोमल अंगों वाले दो सुकुमार बालकों ने अयोध्या की चतुरंगिनी सेना के साथ साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सुग्रीव जैसे योद्धाओं को पछाड़ दिया है, महाबली हनुमान को बंदी बनाकर बिठा रखा है। यह कैसे सत्य हो सकता है? वैसे तो सत्य स्वयं सिद्ध होता है महाराज, फिर भी यदि आपको प्रमाण की आवश्यकता है तो यह जीता जागता प्रमाण आपके सामने है। आपके परम भक्त वीर हनुमान हमारे सत्य की पुष्टि करेंगे। हाँ प्रभु, ये परम सत्य है कि इन दोनों ने ही अपने दिव्य अस्त्रों से अयोध्या के समस्त योद्धाओं को एक ऐसी मूर्छा में डाल दिया है कि इतने दिनों में किसी को अब तक चेतना नहीं आई। मैं इन दोनों के माता पिता को बारंबार प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे चमत्कारी पुत्रों को जन्म दिया है। सुन लिया, अब तो विश्वास हो गया ना कि आपके इस सेना का ये हाल हमी ने किया है? अब क्या कहते हैं आप? ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा
हमारे राज्य की चतुर्दिश वृद्धि का प्रतीक है। तुम कोई राजा या राजकुमार तो नहीं हो कि तुम्हें हमारी राज्य वृद्धि से ईर्ष्या हो? फिर तुमने किस लोभ से हमारे इस घोड़े को पकड़ा है? ना हमें कोई लोभ है, ना हमें किसी राज्य की लालसा है, ना हमें आपकी राज वृद्धि से ईर्ष्या है। हमने तो इस घोड़े के मस्तक पर लिखी हुई चुनौती को पढ़कर इसे पकड़ा है। परंतु क्यों? तुम्हारा इस चुनौती से क्या संबंध? क्योंकि इस चुनौती में अहंकार की गंध है। उससे ऐसा लगता है कि आप यह समझते हैं कि सारे संसार में आपके सिवा ना तो कोई क्षत्रिय है न वीर। और क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, इस चुनौती का उत्तर देना हमारा धर्म हो जाता है। महाराज राम, आप क्षत्रिय धर्म को जानते ही होंगे। यदि कोई क्षत्रिय युद्ध की चुनौती सुनकर पीठ दिखाकर भाग जाए तो समझो ना तो उसने अपने माँ के दूध का ऋण चुकाया और ना अपने पिता के नाम की लाज रखी। कौन है तुम्हारे पिता? यदि हमसे जीत लेंगे तो उनके पास जाइएगा। अभी से उनका पता पूछने की क्या आवश्यकता है? पहले हमसे युद्ध करिए। हमसे सोच क्या रहे हैं? उठाइए धनुष। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कोई तंत्र विद्या सिखाई है? क्यों? क्योंकि जो कार्य तुमने किया है वो अवश्य दंड देने योग्य है। परंतु तुम्हें देखकर हमारे मन में न तो दंड देने की इच्छा हो रही है और न तुमसे युद्ध करने की। मेरी अवस्था भी यही है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आप किसी मोहिनी मंत्र का जाप कर रहे हैं। ये विधाता की विधि कैसी है कि दोनों ओर से धनुष उठाना कठिन हो गया है। महाराज राम, इस प्रकार यह मंत्र तंत्र का प्रयोग वीरों के लिए उचित नहीं है। यदि कर सकते हैं तो सच्चे क्षत्रिय की भांति हमें अस्त्र शस्त्र से पराजित करिए, भावना की मोहिनी डालकर नहीं। बालक, हम तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देते हैं। ये यज्ञ का अश्व हमें लौटा दो, हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। युद्ध में हमें पराजित कीजिए और घोड़ा ले जाइए। और ये भी याद रखिए, घोड़ा लिए बिना चले गए तो समस्त विश्व में अपयश फैलेगा। बालक, हमें विवश मत करो। जब युद्ध भूमि में आ ही गए हैं महाराज, तो अब और कोई मार्ग नहीं बचा। एक ही मार्ग रह गया है, धनुष उठाइए। महाराज राम, क्षत्रिय केवल बातें नहीं करते, युद्ध करिए। युद्ध उठाइए धनुष। महाराज राम, यदि आप क्षत्रिय हैं तो आपको अपने पूर्वजों की आन है कि युद्ध भूमि में सारी मोह ममता त्याग कर एक वीर क्षत्रिय की भांति व्यवहार कीजिए और अपना धनुष उठाइए। बालक, हमें ऐसी शपथ मत दो कि हम विवश हो जाएं। हे राम, ये आप क्या कर रहे हैं? बालकों की बातों में आकर ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? कल्याण मस्तु। प्रभु
स्त्री, वृद्ध और बालक, इन तीनों के जीवन की रक्षा का भार तो राजा पर ही होता है। अपराधी होने पर भी उन पर राजा का हाथ नहीं उठता। महर्षि, ये बालक बहुत हठी हैं। बाल हठ तो सब जानते हैं महाराज, परंतु बाल हठ का उत्तर राज हठ तो नहीं हो सकता। कुश, लव, ये हमारे राजा हैं, हम इनके राज्य में रहते हैं। राजा के सामने अस्त्र उठाना राजधर्म के अनुसार पाप है। आपने राजा की अवज्ञा की है। आपने राजा का घोड़ा क्यों पकड़ा? दो कारणों से गुरुदेव। पहला कारण तो यह चुनौती है जो इस घोड़े के मस्तक पर स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। सुनिए क्या लिखा है। राज राजेश्वर छत्रपति महाराज श्री रामचंद्र के अश्व में यज्ञ का यह अश्व दिग दिगांतर में स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा गया है। इसके आगे नतमस्तक होने वालों को महाराज राम की शरण प्राप्त होगी और जो इसे पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसे श्री राम की सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी होगी। गुरुदेव, आप ही ने सिखाया था कि सच्चा क्षत्रिय वही है जो युद्ध की ललकार सुनकर भाग न जाए, इसलिए हमने यह चुनौती स्वीकार कर ली। और दूसरा कारण? कुछ भैया को महाराज राम से कुछ प्रश्न पूछ लेते, सो मैंने सोचा वैसे तो हमारी भेंट महाराज राम से हो नहीं सकती। यदि यह घोड़ा पकड़ ले तो उसे छुड़ाने के लिए महाराज राम स्वयं आएंगे और कुछ भैया उससे प्रश्न भी पूछ लेंगे। पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? एक ही प्रश्न है महाराज, कि हमारे गुरुदेव कहते हैं आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, परंतु यह कहाँ की मर्यादा है कि उस पत्नी का जिसकी पवित्रता पर आपको स्वयं विश्वास है केवल कुछ लोगों की निंदा के कारण त्याग कर दिया जाए और उसे निस्सहाय अवस्था में वनवास के दुख भोगने पर विवश कर दिया जाए, यह कौन सा धर्म है? राजधर्म। एक साधारण मानव के धर्म और एक राजा के धर्म में इतना ही अंतर है। एक साधारण मानव का प्रथम धर्म है अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने भाई बहनों, माता पिता और निकट सगे संबंधियों की रक्षा करना, उनको सुख पहुंचाना और यदि कठिन समय आए तो दुख में उनका साथ देना। परंतु वही मानव जब राजमुकुट पहनकर राजा बन जाए तो उसका प्रथम धर्म अपने निजी सुख या दुख और अपने निकट सगे संबंधियों के सुख दुख में उनका साथ देना नहीं रहता, वरन राजा का धर्म केवल प्रजा रंजन होता है। उसके सारे कर्म प्रजा मत के अधीन होते हैं, फिर चाहे निजी तौर पर उसे सुख हो या दुख। उसका कर्तव्य तो वही है जिससे प्रजा का कल्याण हो, प्रजा रंजन हो और जिसमें प्रजा का मत हो। यही उसका पहला धर्म भी है और यही उसका आखिरी धर्म भी है। इसे ही राजधर्म कहते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि अन्याय आपने नहीं अयोध्या की प्रजा ने किया है। जो अयोध्या की प्रजा ने किया है उसका उत्तर अयोध्या की प्रजा से मांगना चाहिए।
लवकुश, इस समय तुम दोनों ने इनका घोड़ा पकड़कर और इनके सामने अस्त्र उठाकर जो अवज्ञा की है, उसके लिए तुम्हें इनसे क्षमा मांगनी चाहिए। महाराज राम के विरुद्ध तुम्हारा अस्त्र उठाना ऐसे ही धर्म विरुद्ध है जैसे तुमने अपने पिता के ही सामने अस्त्र उठाए हो, क्योंकि राजा प्रजा के लिए पिता समान ही होता है। शास्त्र कहता है कि पिता ही सर्वभूतानां राजा भवति धर्मतः, इसलिए तुम्हें इनको पिता समान आदर देकर क्षमा मांगकर यज्ञ का घोड़ा लौटा देना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। महाराज, हम नक्षत्रियोचित कर्तव्य समझकर भूल से आपकी जो अवज्ञा की है उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। यदि आप हमें कोई दंड देना चाहे तो वह भी हमें स्वीकार है। तुम दंड के अधिकारी नहीं हो बालक। तुम्हारे जैसे वीर, गुणी और ज्ञानी बालक जिस राजा के राज्य में हो, उसे उन पर गर्व करना चाहिए और पुरस्कार देना चाहिए। जब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो जाए और यदि तुम्हारे गुरु और तुम्हारे माता पिता तुम्हें आज्ञा दें, तो तुम दोनों के लिए मेरे द्वार सदैव खुले रहेंगे। उचित समय आने पर ये दोनों आपकी इस उदारता का लाभ अवश्य उठाएंगे। कुश, वत्स, अयोध्या की सेना पर इस पहली विजय से तुमने मेरी विद्या सफल कर दी। अब चैतन्य अस्त्र द्वारा इन सब की मूर्छा भंग कर दो, जिससे महाराज समस्त बंधु बांधुओं सहित जाकर अपना यज्ञ संपूर्ण कर सके। जो आज्ञा गुरुदेव। चलिए महाराज। हे पवन पुत्र। जी महर्षि। आप यज्ञ का अश्व ले जाइए। जो आज्ञा। महर्षि, एक शंका है। क्या? ये क्या लीला है? आपको आपकी इष्ट की शपथ है, मुझे सच सच बताइए ये दोनों कौन हैं? क्या जो मेरी अंतरात्मा कह रही है वो सत्य है? भक्त शिरोमणि, आप अपनी ही शक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष देख भी चुके हैं, फिर भी मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हे महावीर, भक्त की शक्ति तो भगवान से भी अधिक होती है। फिर भी मेरी एक प्रार्थना है कि अभी इस बात को गुप्त ही रहने दें, उचित समय आने पर मैं स्वयं ही प्रकट कर दूंगा। मैं देख रहा हूं विधि का खेल बड़ा विचित्र होने वाला है, फिर भी उसे एक सुखद मोड़ देने की चेष्टा कर रहा हूं। आपके भक्त सफल मनोरथ हूं। पुत्री, पुत्री, सुना तूने? लवकुश ने अयोध्या की सारी सेना को पराजित कर दिया। क्या? अयोध्या की सारी सेना को पराजित कर दिया। अयोध्या की सेना को? केवल सेना को ही नहीं, वरन उनके सारे योद्धाओं को भी परास्त कर दिया। माता जी, भरत, सुग्रीव, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सबको भैया ने परास्त कर दिया। भरत, लक्ष्मण, इन सब के साथ तुमने युद्ध किया? क्यों, कैसे? छोड़िए ना इस बात को, एक छोटी सी लड़ाई थी, समाप्त हो गई। एक
देखिए ना, हम आपके लिए कितने सारे कमल पुष्प लाए हैं, आपकी पूजा के लिए। यह अनुष्ठान आप जल्दी जल्दी पूरा कीजिए, जिससे शीघ्र ही हमें हमारे पिताश्री के दर्शन हो सके। खुश, मेरी बात को मत टालो। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के साथ युद्ध किया, क्यों किया? माता जी, मैंने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा आश्रम के पास विचरते देखा। उसके माथे पर स्वर्ण अक्षरों में चुनौती लिखी थी कि जो इस घोड़े के सामने मस्तक नवाएगा वह महाराज राम की शरण पाएगा, और जो इसे पकड़ेगा उसे उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा था। सो युद्ध की चुनौती स्वीकार करना अपना क्षत्रिय धर्म समझकर मैंने उसे पकड़ लिया। हे? फिर क्या, उनकी सेना, उनके सेनापति एक एक करके सबके सब ढेर हो गए। फिर शत्रुघ्न आए, उन्हें भी मैंने मूर्छित करके रण में ही सुला दिया। फिर लक्ष्मण जी आए, उनसे युद्ध हुआ। क्या ठंडा ठंडा सुना रहे हो कुछ भैया? माता जी, युद्ध नहीं हुआ, घमासान का युद्ध हुआ, और हमने उन्हें मूर्छित कर दिया। फिर भरत जी आए और उनके साथ महाराज सुग्रीव और महाबली हनुमान भी आए। हनुमान जी बड़े वीर कहलाते हैं, परंतु भैया की वीरता देखकर वे ऐसे चकाचौंध हो गए और हमारे पास में ऐसे बन गए जैसे गाय का छोटा सा बछड़ा बन जाता है। नहीं। हाँ, और भरत जी और सुग्रीव महाराज ने एड़ी चोटी की शक्ति लगा ली, परंतु गुरुदेव के प्रदान किए हुए हमारे अस्त्रों ने उन्हें भी धराशायी कर दिया। और फिर महाराज राम स्वयं आ गए। क्या, क्या महाराज राम स्वयं वहां आए थे और तुम लोगों ने उन पर धनुष उठा लिया? नहीं, हम तो धनुष उठाए तैयार थे, परंतु वे ही युद्ध से आनाकानी कर रहे थे। हमसे कहने लगे कि तुम दोनों को देखकर तुम पर बाण चलाने की इच्छा नहीं होती, तुम्हें प्यार करने की इच्छा होती है। परंतु मैंने उन्हें कहा, महाराज राम केवल बातें न कीजिए, युद्ध करिए, युद्ध। परंतु जैसे युद्ध आरंभ होने लगा गुरुदेव आ गए और फिर उन्होंने तो युद्ध होने ही नहीं दिया। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद कि तुम लोग महान पाप से बच गए, महान पाप से बच गए। क्या हुआ पुत्री? माताजी, माताजी, ये आपको क्या हो गया माताजी? तुमने आज वो किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, इसका तो प्रायश्चित भी कठिन है। हनुमान को तुमने बछड़े की भांति बांध दिया। हनुमान तो मेरा पहला पुत्र है, तुमसे भी बड़ा पुत्र। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ये भी मेरे पुत्र ही है। तुम उन पर प्रहार करोगे तो मेरी क्या दशा होगी? उस पर तुमने स्वयं श्री राम को युद्ध के लिए ललकारा। मेरी संतान अपने पिताश्री के चरण छूने की जगह पर उन्हें युद्ध के लिए ललकारे, मेरे लिए इससे लज्जाजनक बात
क्या हो सकती है? तुमने एक भी बार उनको जला दिया होता तो उसके पश्चाताप में मेरे लिए अपने प्राण देने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रह जाता, और कोई मार्ग नहीं रह जाता। ये क्या किया तुम लोगों ने? क्या किया? ये आप क्या कह रही हैं माताजी? महाराज राम हमारे पिताश्री हैं? हाँ पुत्र। देवी सीता सत्य कह रही हैं, महाराज राम ही तुम्हारे पिता हैं। क्या आप ही वह अभागी सीता है जिन्हें महाराज राम ने वन में त्याग दिया था? जिसके पति श्री राम हो उसे अभाग्य नहीं कहते। मुझसे अधिक भाग्यवान और कौन होगा कि मैं उनकी पत्नी हूँ जिनकी तीनों लोकों में पूजा होती है। फिर ये बात आपने उनसे आज तक क्यों छिपाई? हर बात के प्रकट होने का उचित समय होता है। इससे पहले यह बात प्रकट हो जाती तो तुम्हारी माता के लिए कहीं भी सुख सुविधा से रहना असंभव हो जाता। हां, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अयोध्या वालों से यह प्रश्न पूछना होगा कि उन्होंने तुम्हारी माता के पवित्र आंचल पर निंदा के धब्बे क्यों लगाए। इसी दिन की मैं इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। अब तुम्हें अयोध्या जाकर घर घर में सीता की करुण कथा सुनाकर अपनी माता के पवित्र आंचल पर लगे हुए धब्बे को अयोध्या वालों के अश्रुओं से धोना होगा। उनके मन पर लगे हुए मैल को मिटाकर उनके हृदय में महारानी सीता का सिंहासन फिर से स्थापित करना होगा। प्रजा का मत बदलकर उसे अपनी माता के सामने नतमस्तक करना होगा जिससे उनके पाप का प्रायश्चित हो सके।